हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन योर यूट्यूब चैनल आदर्श सेकेंडरी स्कूल। टुडे वी विल डिस्कस द चैप्टर 3 ऑफ क्लास 12th। स्टूडेंट्स, आज हम मैट्रिक्स के टाइप डिस्कस कर रहे हैं। जो प्रीवियस वीडियो थे उसमें भी हमने कुछ एक पार्ट डिस्कस किए थे, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे पार्ट फर्स्ट है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? तो हमें, जैसे कि यूनिट का नाम हम जैसे ही सुनते हैं तो हमारे दिमाग में इतना आता है कि यूनिट का मतलब होता है 1, ठीक है, और आइडेंटिटी का मतलब भी क्या होता है 1। तो यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? ए स्क्वेयर मैट्रिक्स। स्क्वेयर मैट्रिक्स इज अ सेड टू बी ए यूनिट मैट्रिक्स। एक स्क्वेयर मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे इफ अगर ऑल इट्स नॉन डायगनल एलिमेंट आर 0। डायगनल वाले एलिमेंट को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट है अगर वो क्या हो, 0 हो, और डायगनल एलिमेंट कितने हो, 1, जिनकी वैल्यू कितनी हो, 1 हो, ठीक है। कि यूनिट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी, एक तो पहली कंडीशन है कि वो स्क्वेयर मैट्रिक्स होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन है जो डायगनल वाले एलिमेंट हो वो कितने होने चाहिए, 1, और जो नॉन डायगनल एलिमेंट है वो कितने होने चाहिए, 0, ठीक है। तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें सिंपल 1 है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना है, 1। जो सेकंड मैट्रिक्स है इसमें 1 0 0 1, तो ये कितने ऑर्डर की है, 2 × 2, मतलब ऑर्डर कितना है इसका, 2। जो थर्ड मैट्रिक्स है इसमें 3 ही कॉलम है, 3 ही रो है, तो मतलब इसका ऑर्डर कितना है, 3। समझ आ गया होगा आपको। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट टाइप, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। तो जो ये जीरो या नल मैट्रिक्स होती है ये स्क्वायर फॉर्म में भी हो सकती है और रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी हो सकती है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जिसमें रो और कॉलम की वैल्यू क्या हो, इक्वल हो, और रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, जिसमें रो की जो वैल्यू है वो अलग हो और कॉलम की वैल्यू क्या हो, अलग हो, ठीक है। तो इसमें जीरो मैट्रिक्स बोला है तो एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसमें सारे के सारे एलिमेंट कैसे होंगे, 0 होंगे। समझ आ गया होगा। अ मैट्रिक्स इज अ सेड टू बी 0 और नल मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एलिमेंट इज 0। अगर सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वो मैट्रिक्स कैसी होगी, 0 मैट्रिक्स होगी। तो फॉर एग्जांपल में हम यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्डर कितना है, 1 है, क्योंकि एक ही एलिमेंट है। नेक्स्ट में 2 × 2, मतलब 2 ही रो है, 2 ही कॉलम है, तो यहाँ पे कितना ऑर्डर हो जाएगा, 2। जो यहाँ पे थर्ड है इसमें हम देख सकते हैं रो तो कितनी है, 2, लेकिन कॉलम कितने हैं, कॉलम है 1 2 3, तो ये किस टाइप की है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना बनेगा, ऑर्डर बनेगा रो मल्टीप्लाई कॉलम होता है तो 2 × 3, एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 ही रो है, 3 ही कॉलम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर होगा 3। समझ आ गया होगा आपको। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट टाइप, कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या होती है, दो ऐसी मैट्रिक्स जिनको हम कंपेयर करें, ठीक है, जिनको हम क्या करें, कंपेयर। और कंपेयर सिर्फ वही मैट्रिक्स होगी जो सेम ऑर्डर की हो, ठीक है। कंपेयर सिर्फ हम उन्हीं को करते हैं जिनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। तो टू मैट्रिक्स, हम टू मैट्रिक्स सेलेक्ट करते हैं। टू मैट्रिक्स फर्स्ट है ए, ए इज इक्वल टू ए आई जे। ए आई जे का मतलब होता है इस ए मैट्रिक्स में एलिमेंट कितने हैं, आई जे, मतलब आई और जे का मतलब यहाँ पे एलिमेंट्स की ही बात हो रही है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं एम मल्टीप्लाई एन है, एम मल्टीप्लाई एन का मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर, एम तो रो है और एन क्या है, कॉलम। एंड बी मैट्रिक्स है जिसमें कितने एलिमेंट है, बी आई जे, इतने एलिमेंट है, और ऑर्डर कितना है, क्यू मल्टीप्लाई आर, क्यू तो रो होगी एंड आर कॉलम होंगे। आर इज अ सेड टू बी कंपेरेबल। दो मैट्रिक्स को हम कंपेरेबल बोलेंगे ओनली व्हेन, केवल तभी
व्हेन दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, अगर उनका ऑर्डर कैसा है, सेम है, कैसे कि जितनी रोज पहली जो मैट्रिक्स की है उतनी ही रो दूसरी मैट्रिक्स की हो जाए, एंड जितने कॉलम पहली मैट्रिक्स के हैं उतने ही कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के हो जाए. तो फॉर एग्जांपल क्या कि m इक्वल टू क्यू एंड n इक्वल टू आर. तो यहाँ पे हम एग्जांपल में देख सकते हैं 3, 4, 2, 6, 8, 5 ये पहली मैट्रिक्स है एंड दूसरी है b 5, 7, 8, 3, 4, 9 ये कंपेरेबल मैट्रिक्स है एज दे आर ऑफ सेम ऑर्डर. उनका ऑर्डर कैसा है, सेम है. कितना 2 × 3 रोज कितने हैं दोनों में 2 एंड कॉलम कितने हैं दोनों में 3. तो यहाँ पे ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 × 3. अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट टाइप. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स. जो नेक्स्ट टाइप है इक्वलिटी, इक्वलिटी का मतलब कि दोनों की दोनों मैट्रिक्स कैसी होगी, इक्वल होंगी. इक्वल का मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि वहाँ पे ऑर्डर कितना होगा, सेम होगा दोनों का. और दूसरा हम ये भी बोलेंगे कि उनमें जो एलिमेंट्स होंगे वो भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगी. तो यहाँ पे दो कंडीशन होगी. टू मैट्रिक्स ए जो फर्स्ट है ए आई जे एलिमेंट है एंड बी मैट्रिक्स बी आई जे इतने एलिमेंट है इसमें, आर सेड टू बी इक्वल. अगर हम उनको इक्वल बोलेंगे इफ़ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, उनका ऑर्डर कैसा है, सेम, एंड द एलिमेंट्स इन द कॉरस्पॉन्डिंग पोजिशन, जो एलिमेंट होंगे कॉरस्पॉन्डिंग पोजिशन के अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स आर इक्वल. तो दोनों की दोनों जो मैट्रिक्स होगी उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्वल. तो फर्स्ट जो मैट्रिक्स होगी वो सेकंड की क्या होगी, इक्वल. तो यहाँ पे हम फर्स्ट मैट्रिक्स देखेंगे 3, 7, 8, 2, 1, 0 एंड सेकंड में है ए 7, B, 2, 1, C. तो यहाँ पे हमें ये पूछेगा कि ए बी सी की वैल्यू बताओ. तो जो एलिमेंट है वो तो आपस में क्या है, इक्वल है. तो 2 की जगह यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 है, 1 की जगह यहाँ पे 1 है, तो मतलब 0 की जगह यहाँ पे 0 ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, सी. तो इसका मतलब सी की वैल्यू कितनी होगी, 0. ठीक है, सेम इसी तरीके से 7 की जगह 7 है लेकिन 3 की जगह क्या है, ए. तो ए की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 3. एंड सेम बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8. तो स्टूडेंट्स आपको ये टाइप समझ आ गए होंगे मैट्रिक्स के. आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि सारे के सारे टाइप कंप्लीट हो चुके हैं. एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू.